अगर आप भी सोच रहे थे कि वर्डप्रेस में पोस्ट और फीचर्ड मीडिया को एक साथ एक ही एपीआई के थ्रू कैसे अपलोड करना है, तो आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम तो अलग अलग एपीआई का यूज किया था, एक हमारे फीचर्ड मीडिया को अपलोड करने के लिए और दूसरा हमारे पोस्ट को क्रिएट करने के लिए। लेकिन इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम दो अलग अलग एपीआई को कॉल कर रहे हैं हमारे फ्रंट एंड में से, तो इस वजह से यूज़र का बैंडविड्थ वेस्ट होता है। यानी कि अगर हम ये काम एक ही कॉल में कर सकें तो वो ज़्यादा सही तरीका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्डप्रेस से हमें कोई भी ऐसा एपीआई एंडपॉइंट नहीं मिलता है जहाँ पे हम पोस्ट के साथ फाइल को भी अपलोड कर सकें। तो इसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं और हम अपना एक कस्टम एंडपॉइंट क्रिएट करने वाले हैं। तो वर्डप्रेस में कस्टम एंडपॉइंट क्रिएट करने के लिए हमें पहले अपने सर्वर फोल्डर पर जाना पड़ेगा। यहाँ पे सर्वर के अंदर डब्ल्यूपी कंटेंट और उसके अंदर प्लगइन, और प्लगइन्स में हमने अपना कस्टम प्लगइन बनाया हुआ था IWS कस्टम कोड, उसके अंदर हम अपना कोड लिखने वाले हैं कस्टम एंडपॉइंट को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए साइड बार को क्लोज करते हैं। एंड देखिए, यहाँ पे हमने हमारा एक कस्टम फील्ड ऐड किया होता है, हमारा जो एग्जिस्टिंग पोस्ट का एपीआई होता है वर्डप्रेस में, उसमें हमने अपना एक कस्टम फील्ड ऐड किया था फीचर्ड SRC करके, जिससे कि हमारे पास एक ही एपीआई में फीचर्ड मीडिया का जो SRC है वो हमें मिल जाए। और आज हम यहाँ पे इसी फंक्शन के अंदर एक पूरा एंड पॉइंट ऐड करने वाले हैं। अपना एंड पॉइंट ऐड करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हमने यूज़ किया था रजिस्टर रेस्ट फील्ड, और हम यहाँ पे करने वाले हैं रजिस्टर रेस्ट राउट। इसमें जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो है हमारा नेम स्पेस, मतलब हम कौन से नेम स्पेस में इसको ऐड करना चाहते हैं। तो वर्डप्रेस का जो हमारा डिफॉल्ट नेम स्पेस होता है, मैं उसी में इसको ऐड कर दूंगा, तो वो है WP/V2। ठीक है, इसके अंदर ही मैं उसे ऐड कर दूंगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पे कस्टम भी अपना लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ IWS version 1, तो ये कस्टम नेम स्पेस क्रिएट करके हमारा एंड पॉइंट उसके अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कस्टम नहीं लिखूंगा, हमारा जो डिफॉल्ट वर्डप्रेस का मिलता है हमें उसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, हमारा एंड पॉइंट क्या होगा, वो है सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्रिएट पोस्ट, ये हमारा हो जाएगा एंड पॉइंट। जैसे कि हमारे पास WP/V2/post है, मीडिया है, उसी तरीके से ये भी एक बन जाएगा क्रिएट पोस्ट। और थर्ड पैरामीटर में हमें एक एरे पास करना होता है, जिसके अंदर हम हमारा मेथड और हमारा कॉल बैक फंक्शन स्पेसिफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे कॉल बैक फंक्शन का जो नाम है वो हमें यहाँ पे टाइप करना होता है बेसिकली एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, काफी लंबा नाम है लेकिन ठीक है, IWS क्रिएट पोस्ट विथ फीचर इमेज। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, एंड अब हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर चलता हूँ, थोड़ी जगह बनाते हैं यहाँ पे मैं कहता हूँ फंक्शन, एंड हमारा जो फंक्शन है उसकी यहाँ पे बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्योंकि एक पोस्ट मेथड है तो इसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट, एंड हम इस रिक्वेस्ट का यूज कर सकते हैं हमारे डेटा को गेट करने के लिए। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट $_post का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट का यूज़ करने वाला हूँ। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है जहाँ तक मुझे ध्यान है, अगर कोई डिफरेंस आपको पता है तो प्लीज़ वो हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं, फाइल हैंडलिंग का भी रहने देते हैं। जो हमारा बेसिक पोस्ट है यानी कि टाइटल और कंटेंट, पहले हम उससे हमारा पोस्ट क्रिएट करते थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम हमारा जो डेटा है वो हम यहाँ पे गेट करवा लेते। तो मैं यहाँ पे लूँगा एक पैरम, और वो हमें मिल जाएगा हमारे रिक्वेस्ट वेरिएबल में से गेट करवा लेंगे। गेट अंडरस्कोर पैरम्स जो फंक्शन है वो हमें हमारे जो पैरामीटर्स है यानी कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट में जो कंटेंट आ रहा है वो हमें एक एसोसिएटिव एरे में डाल के दे देगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं हमारे टाइटल और कंटेंट को। डिस्ट्रक्चर नहीं, हम बेसिकली सैनिटाइज करके एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ये PHP है तो PHP में हम डिस्ट्रक्चर नहीं करते। यहाँ पे हम मैं करूँगा पैरम्स, एंड उसके अंदर से हम हमारा
टाइटल निकाल देंगे। तो टाइटल हम सेंड कैसे कर रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। इंडेक्स डॉट जे एस में जाता हूँ मैं, एंड यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो आ रहा है, ओके यहाँ पे हमने टाइटल लिखा है, ठीक है। तो टाइटल की हमारा जो की है वो भी हमें टाइटल मिल जाएगा। एंड दूसरी चीज़ हमारे पास जो आ जाएगी वो है कंटेंट। एक बार स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लेते हैं, कंटेंट एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास कंटेंट, ग्रेट। तो मैंने इनको अलग अलग वेरिएबल में क्यों रखा है? मैं इस वेरिएबल को भी तो यूज कर ही सकता था, मैंने उसको अलग से वेरिएबल में स्टोर क्यों किया? क्योंकि ये जो वेरिएबल्स है इनको मुझे सैनिटाइज करना है, यानी कि हम ये जो इनपुट है वो अपने यूज़र के पास से ले रहे हैं और वो इस इनपुट बॉक्स में कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो हमारे या तो डेटाबेस में एज ए क्वेरी रन हो सके या तो कोई HTML टाइप कर सकते हैं जो हमारे ब्राउज़र में रन हो सके। इस चीज़ से बचने के लिए हम हमारे जो इनपुट है उसको सैनिटाइज करते हैं। अगर आपने PHP किया हो, कोर PHP, तो वहाँ पे हम MySQL एस्केप स्ट्रिंग का यूज़ करते थे हमारे इनपुट्स को सैनिटाइज करने के लिए। वर्डप्रेस में भी सेम वही कंसेप्ट है, क्योंकि हम PHP यूज़ कर रहे हैं अभी भी, लेकिन वर्डप्रेस के पास उसके खुद के फंक्शंस है इनपुट्स को सैनिटाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये टाइटल है, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। तो इसको सैनिटाइज करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड। एंड जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वहाँ पे हम एक्चुअली HTML इनपुट दे सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम एक्चुअली वर्डप्रेस में हमारा जो पोस्ट का कंटेंट है वो क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हमारे काफ़ी सारा ऑप्शन रहता है। हम कोई विजिट ऐड कर सकते हैं, हम टाइटल ऐड कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं, कंटेंट के अंदर इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। हमने अभी अपने फ्रंट एंड में ऐसे ऑप्शंस नहीं रखे, लेकिन आगे चल के अगर आप एक्चुअली कोई ऐसा इंटरफेस बनाते हैं जहाँ पे हम फ्रंट एंड से कोई पोस्ट ऐड करते हैं वर्डप्रेस में, वहाँ पे भी आप मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही एक एडिटर रखेंगे जहाँ पे आप टाइटल्स, लिंक्स, लिस्ट्स, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने कंटेंट में। तो इस केस में इनपुट को एस्केप करने के लिए वर्डप्रेस में हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शंस है, उनमें से एक फंक्शन है WP केसेस पोस्ट। केसेस KE नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, WP केसेस पोस्ट। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, हमारा जो HTML है जो एक पोस्ट के कंटेंट में अलाउड है, ठीक है, वो सारे HTMLs को ये एस्केप नहीं करेगा, और अगर कुछ भी दूसरा आता है जैसे कि कोई स्क्रिप्ट टैग डालने की कोशिश करता है तो वो यहाँ पे वो एस्केप करवा देगा। ओके, तो चलिए ये हमारा इनपुट सैनिटाइज हो गए। अब मुझे क्या करना है, एक नया पोस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमारा पोस्ट एक एरे होगा, उसमें हमारा जाएगा पोस्ट टाइटल, सेम चीज हमारे कंटेंट के साथ, तो पोस्ट। अब देखिए वर्डप्रेस में हम जब भी कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं कोडिंग से, तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिश नहीं होता है, उसे हमें स्टेटस पास करना रहता है। अगर हम स्टेटस पास नहीं करते हैं तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। तो मैं यहाँ पे स्टेटस पास कर देता हूँ। नेक्स्ट हमें पास करना है हमारा पोस्ट कौन से टाइप का है, ठीक है। अब वर्डप्रेस में सारी चीज़ें पोस्ट होती है, हम अगर मीडिया भी अपलोड करते हैं तो वो भी एक पोस्ट है, अगर हम WooCommerce के प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो वो भी पोस्ट है, नॉर्मल पेजेस है तो वो भी पोस्ट है, और अगर ब्लॉग पोस्ट है तो वो तो पोस्ट है ही, ठीक है। तो हमें पोस्ट का टाइप यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या आ सकते हैं, आप पेज आ सकता है, मीडिया आ सकता है, ठीक है, अगर आप कोई कस्टम पोस्ट टाइप यूज कर रहे तो वो आ सकता है यहाँ पे, ओके। तो ये सारे पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पे, और ये हमारा जो एरे है वो हमारा नया पोस्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो नया पोस्ट अब हमें डेटाबेस में सेव करना पड़ेगा, तो डेटाबेस में सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, WP इंसर्ट पोस्ट फंक्शन का हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम अपने पोस्ट को पास कर देंगे, ठीक है। अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली रन हो जाता है, हमारा पोस्ट क्रिएट हो जाता है, तो ये हमें पोस्ट का जो ID है वो रिटर्न करके देगा। तो उसको मैं यहाँ पे एक स्टोर करवा लेता हूँ वेरिएबल में, एंड वेरिएबल में हम कैपिटल केस का यूज़ करेंगे, तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं, राइट। इतना करने से हमारा जो पोस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ओके।
हमारा जो पोस्ट का हैंडलिंग था वो यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे फाइल हैंडलिंग को। वैसे हैंडलिंग नहीं बोलना चाहिए इसे, इमेज अपलोड, राइट। तो इमेज अपलोड करते टाइम पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि यूजर ने इमेज को अपलोड किया भी है या फिर नहीं। तो यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा देते हैं, इस सेट उसके अंदर मैं चेक कर लूंगा हमारा फाइल सेट हुआ है कि नहीं। तो फाइल हमें मिलता है हमारे डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स के वेरिएबल में, ओके। तो उसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे, एंड हम अपने फाइल को किस नाम से सेंड करने वाले वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने सेंड किया है फीचर्ड मीडिया, नहीं हमने फाइल लिखा हुआ है, तो इसका यूज कर लेंगे फाइल। एक्चुअली चलिए हम फीचर्ड इमेज का यूज कर लेंगे, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, याद रखना पड़ेगा हम जब एक्सियोस का कॉल करेंगे अपने फ्रंट एंड में से, तब हमें फाइल की जो की है उसे फीचर्ड IMG पे सेट करना है, ओके। चलिए ये सेट कर लिया, एंड मैं दूसरी चीज़ ये चेक कर लूँगा कि हमारा जो फाइल का वेरिएबल है वो एम्प्टी है या फिर नहीं, या फिर नॉट। तो इसके अंदर हमारा जो फाइल का वेरिएबल है वो चला जाएगा, ग्रेट। अगर हम इफ कंडीशन के अंदर आते हैं, यानी कि यूज़र ने फाइल इनपुट दिया है, तो फाइल इनपुट के साथ हमें अब क्या करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक इमेज के वेरिएबल में हमारा इमेज को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि मुझे हर बार फाइल्स और एसोसिएटिव एरे में फीचर्ड IMG ना लिखना पड़े, ठीक है। अब हमारा जो फाइल है वो हमारे डॉलर IMG के वेरिएबल के अंदर है। हमारा फाइल यहाँ पे मिल गया, अब हमें उसे अपलोड करना है। अगर आपको नहीं पता वर्डप्रेस में फाइल को अपलोड कैसे करते हैं, तो मैंने उसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आपको उसका लिंक अभी ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, WP अपलोड बिट्स, अपलोड आएगा यहाँ पे, अपलोड ये WP अपलोड बिट्स। अब यहाँ पे जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो हमारा इमेज का नाम। तो इन जनरल अगर आपको यहाँ पे इमेज का नाम जनरेट करना है, जो हमारा इमेज का नाम होता है, अगर आपको SEO फ्रेंडली उसे रखना है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो भी आपका पोस्ट का टाइटल है उसके ऊपर से अगर आप इमेज का नाम भी जनरेट करें तो थोड़ा SEO फ्रेंडली हो जाता है वो इमेज। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे IMG नेम को यहाँ पे जनरेट करवा लेंगे। तो IMG नेम हमें कहाँ से मिलेगा, बेसिकली यहाँ पे मैं अपना टाइटल यूज़ करूँगा, एंड उसमें हम कंकैटिनेट करा देंगे हमारे फाइल के एक्सटेंशन को। तो फाइल के एक्सटेंशन हमें मिलेगा कहाँ से, तो फाइल के एक्सटेंशन को निकालने के लिए मैं जो फाइल का नाम है उसको एक्सप्लोर करवा देता हूँ, ठीक है। तो फाइल का नाम कैसे मिलेगा तो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सप्लोर, एंड इसमें बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। पहला जो हमारा सेपरेटर है, यानी कि डॉट, हम डॉट से सेपरेट करने वाले, क्योंकि फाइल के नेम में हमारे पास डॉट करके कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और इसमें से हमें एक एरे रिटर्न होगा, तो उस एरे में से मैं जो फर्स्ट इंडेक्स है उसे निकालूंगा, यानी कि जीरोथ इंडेक्स में जो हमारे फाइल का एक्चुअल नाम है वो रहेगा, और फर्स्ट इंडेक्स में हमारा जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है वो आ जाएगा। चलिए तो ये हमारा बन गया इमेज का नाम, तो यहाँ पे अपलोड बिट्स में उसे पास कर देते हैं। देन जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो एक डेप्रिशिएटेड आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे हमें नल पास करना कंपलसरी है, तो नल पास कर देते हैं। एंड जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो है हमारा एक्चुअल फाइल का जो डेटा है वो, तो यहाँ पे हमारा जो फाइल है वो एक एरे के फॉर्म में है, तो एरे के अंदर हमारे पास एक फाइल का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में से हमें उसके डेटा यानी कि जो बाइनरी डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो वो हम PHP का एक फंक्शन गेट फाइल कंटेंट्स का यूज करके करेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फाइल गेट कंटेंट्स, एंड उसके अंदर हमारा जो फाइल है उसका जो टेम्पररी पाथ है वो हम पास करेंगे। तो हमारे पास जो फाइल का डेटा है हमारा इमेज वेरिएबल, उसके अंदर हमारे पास टेम्प नेम, तो उसे लिखते हैं TMP। ये बेसिकली हमारे जो सर्वर पे जो टेम्पररी पाथ है जहाँ पे हमारा फाइल अभी स्टोर्ड है उसका URL है, ठीक है, उसका पाथ है बेसिकली। तो वो हम यहाँ पे पास करते हैं फाइल गेट कंटेंट्स में, और वो हमें
हमारा जो बाइनरी डेटा है वो रिटर्न करके देता है। तो ये फंक्शन है इसने हमारा जो फाइल है वो अपलोड कर दिया है, और ये फंक्शन हमारा जो फाइल है उसे रिटर्न करेगा। ओके, हमारा इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुका है, उसने हमारे फाइल को रिटर्न कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने बताया था आपको कि वर्डप्रेस में कोई भी चीज़ है वो एक पोस्ट है। हमारा जो डब्ल्यू पी कंटेंट का फोल्डर है, डब्ल्यू पी कंटेंट के अंदर जो अपलोड का फोल्डर है वहाँ पर हमारा इमेज अपलोड हो गया है, लेकिन हमारे डेटाबेस में उसकी एंट्री अभी बाकी है। तो अब हम हमारे डेटाबेस में उसकी एंट्री करेंगे। तो डेटाबेस में उसकी एंट्री करने के लिए हमें एक्चुअली उस फाइल का जो टाइप है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वो हम निकालते हैं, पहले फाइल टाइप में स्टोर करवा लेंगे। तो फाइल टाइप पता करने के लिए डब्ल्यू पी चेक फाइल टाइप एक फंक्शन है, उसका यूज करने वाला है। फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा जाएगा फाइल, और उसके अंदर बेसिकली हमें एक और की मिलती है जिसका नाम भी है फाइल, डॉलर फाइल नहीं सिर्फ फाइल। एंड यहाँ पे सेकेंड आर्गुमेंट हम नल पास करेंगे। इतना करने से हमारा जो फाइल का एक्चुअल टाइप है, जो नेम टाइप होता है, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो अभी बेसिकली हमें इस मीडिया की डेटाबेस में एंट्री करनी है, तो वो करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करेंगे। WP insert attachment, एंड इसके अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है हमारा अटैचमेंट डेटा। तो ये अटैचमेंट डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, वो एक एरे है जो हमें बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं उसे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हमारा जो मेम टाइप है वो हमें देना है पोस्ट मेम टाइप। यहाँ पे हमारा जाएगा फाइल टाइप। सेकंड हमारा जो पोस्ट का टाइटल है ये भी एक पोस्ट है, ठीक है। तो पोस्ट का टाइटल हम पास करेंगे पोस्ट टाइटल। तो पोस्ट टाइटल हमें कहाँ से मिलेगा, हमारा जो फाइल है उसमें से हमें हमारा फाइल का नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है एक्चुअली उसमें हमारे फाइल का जो पूरा पाथ और नेम बेसिकली तो वो स्टोर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़, तो यहाँ पे हमारा कोई भी पोस्ट कंटेंट नहीं जाएगा तो उसे ब्लैंक दे देंगे। एंड यहाँ पे हमारा जाएगा पोस्ट स्टेटस, और इसे हम पब्लिश नहीं करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये इनहेरिट। ये हमारा अटैचमेंट डेटा बन गया, और अटैचमेंट डेटा के बाद हमारा जो सेकंड आर्गुमेंट है अगेन हमारा जो फाइल है वही हमें पास करना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। हमारा जो थर्ड आर्गुमेंट है उसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है कि हम कौन से पोस्ट के साथ इस अटैचमेंट को लिंक करना चाहते हैं, उसकी हम आईडी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, पोस्ट आईडी जो हमारा वेरिएबल है इसको लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। एंड एज यूजुअल ये जो फंक्शन है वो हमारे अटैचमेंट की आईडी पास करेगा, रिटर्न करेगा। हमारा अटैचमेंट इंसर्ट हो गया है डेटाबेस में, उसको हमने पोस्ट की आईडी भी पास कर दी जिससे कि पता चले कौन से पोस्ट के साथ वो लिंक है। लेकिन अभी भी एक काम बाकी है जिससे कि हमारा फीचर्ड इमेज सेट हो जाएगा। तो अब हमें हमारे पोस्ट में इस अटैचमेंट को एज अ फीचर्ड इमेज सेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है सेट पोस्ट थंबनेल, और उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है हमारा पोस्ट की आईडी, एंड जो सेकंड आर्गुमेंट है वो है अटैचमेंट आईडी। ये हमारा अटैचमेंट आईडी आ गया। अब हमारा जो पोस्ट का थंबनेल है वो सेट हो चुका है। एंड एक चीज़ जो अच्छी बात है कि मेरे नज़र में आ गई, हमारा जो फाइल टाइप है वो कैपिटल केस होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको कैपिटल केस कर देता हूँ और इसे भी हम कैपिटल केस में कन्वर्ट कर देंगे। एंड दूसरी चीज़, फाइल टाइप एक एसोसिएटिव एरे है तो उसमें से हमें टाइप निकालना पड़ेगा। एंड ये फाइल वाला जो वेरिएबल है, हमारा जो इमेज का नेम है हमने जो जनरेट किया था उसी को यूज़ करते हैं यहाँ पे इसकी जगह पर, ठीक है। चलिए, तो फाइनली सब कुछ यहाँ पे सही से वर्क करना चाहिए। तो इसको मैं सेव करता हूँ एंड अब हम जाते हैं अपने index.js में और वहाँ पे जो चेंजेस है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, यहाँ से जो एक्सक्यूज का कॉल है इसको मैं कट करूँगा। इफ कंडीशन के अंदर हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो इन सबको निकाल देंगे यहाँ से। और यहाँ पे मैं एक्सक्यूज की कॉल को पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये जो क्रिएट पोस्ट का जो पूरा कॉल है उसको मैं पूरा निकाल दूंगा यहाँ से।
यहाँ तक इसको डिलीट कर देते हैं। फीचर मीडिया ये अनयूज वेरिएबल है तो इसको भी हटा देते हैं। एंड जो हमारा फॉर्म डेटा का जो वेरिएबल है वो अब हमें इफ कंडीशन के बाहर भी चाहिए, ठीक है। इस लाइन को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे दो बार पेस्ट कर देंगे। दो बार क्यों? पहला हमें चाहिए टाइटल एंड दूसरा हमें चाहिए कंटेंट, कंटेंट एंड फाइल। हमारा फाइल वेरिएबल का नाम नहीं था, क्या था एक बार देख लेते। पीएचपी के फाइल में जाके फीचर्ड अंडरस्कोर आईएमजी यहाँ पे आते हैं एंड फीचर्ड अंडरस्कोर आईएमजी, ठीक है। ये हो गया हमारा डेटा रेडी। और यहाँ पे हमें एंड पॉइंट को चेंज करना है तो इसको कर देते हैं। ये आ गया हमारा हेडर्स रेडी है, कंटेंट टाइप हमारा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा एंड ये सारी चीज़ें सेट है। यहाँ पे आता है एंड मैं काम करूँगा ये जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है इसको हम कंसोल करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ लॉग, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि हमने अपने वर्डप्रेस के एपीआई में से कुछ रिटर्न नहीं किया है। तो यहाँ पे चलते हैं और हमारे वर्डप्रेस के एपीआई के फंक्शंस है कोई चीज़ हमें रिटर्न करनी पड़ेगी, तो हमारा जो स्टेटस है वो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं। सेव करता हूँ मैं इसे, चलते हैं हमारे फ्रंट एंड में और एक पोस्ट क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। ओके, मैं नेटवर्क टैब को क्लियर कर देता हूँ, कंसोल को चेक करते हैं, कंसोल को भी क्लियर करवा देंगे अगर होगा तो। वहाँ पर कंसोल क्लियर करवा दिया, नेटवर्क टैब में जाते हैं और यहाँ पे डेटा फिल करते हैं। क्रिएट पोस्ट, देखते हैं क्या होता है। ओके, 200 मिल गया, हमारा सक्सेस आ गया और हमारा पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो चले चलते हैं मीडिया लाइब्रेरी में। हमारा जो लास्ट इमेज है वो ये वाला था, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं इसे। ओके, चलिए देखिए हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो एक काम करते हैं, रिएक्ट में जाते हैं, ये जो नेटवर्क टैब है इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब हम जाते हैं अपने पोस्ट पेज पे। देखिए हमारा जो यहाँ पे पोस्ट है वो फीचर्ड इमेज के साथ यहाँ पे अपलोड हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आप वर्डप्रेस में कस्टम एपीआई एंडपॉइंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस एपीआई एंडपॉइंट का यूज़ करके पोस्ट को फीचर्ड इमेज के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।